देखिए कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट क्यों है? क्लिनिकली अगर अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्वेश्चन आता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आप लोग भी लिपिड प्रोफाइल अपन टेस्ट करवाते हैं है ना, क्लिनिशियन आपको एडवाइज करेगा कि आप टोटल कोलेस्ट्रॉल करवाइएगा, टीजी करवाइएगा, एचडीएल देखिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना है, एलडीएल देखिए। अभी आपने पढ़ा होगा कि लिपोप्रोटीन, एचडीएल, एलडीएल, काइलोमाइक्रोन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में। तो इन सबसे पहले अपने को कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल कैसे फॉर्मेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं आपकी बॉडी में, तो उसी के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। मैक्स टू मैक्स अपन 30 to 35 मिनट्स लेंगे, ठीक है? तो आप लोग पीछे लास्ट बेंच में पीछे जो लोग भी बैठे हुए हैं, नहीं आगे तो नहीं आना वरना आप और 10-15 मिनट वेस्ट कर देंगे, ठीक है? देखिए बस सफिशेंट है, आपका आइस ब्रेकिंग सेशन हो गया है, अब अपन वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए मेजर कंसेप्ट क्या है अपनी की टू स्टडी हाउ कोलेस्ट्रॉल इज मेटाबोलाइज इन द बॉडी, और मेन जो आपके SLO हैं कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होगा आपकी बॉडी में, किस तरीके से स्टेरॉइड का सिंथेसिस होगा, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस कैसे होगा, HMG CoA क्या है, कैसे बनता है, रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, कमिटेड स्टेप क्या है, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिक फेट है, स्टडी ऑफ रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए कोलेस्ट्रॉल है क्या, कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल स्टेरॉइड्स, ब्रेन एग योक इज वेरी रिच सोर्स, द लीवर किडनी एंड रेड मीट रिच सोर्स, एवरेज डाइट सप्लाईज अबाउट 0.5 to 1 gram पर डे, मैक्सिमम डायट्री इंटेक शुड नॉट एक्सेस 300 mg, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स बींग ए प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड हॉर्मोन्स बाइल एसिड एंड विटामिन D3, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 कैल्सिट्रायोल। कोलेस्ट्रॉल एस्टर आर द फॉर्म इन विच कोलेस्ट्रॉल इन स्टोर्ड इन द सेल, द सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी टाइटली रेगुलेटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर एक्यूमुलेशन एंड अबनॉर्मल डिपोजिशन विद इन द बॉडी, सच डिपोजिशन इवेंचुअली लीडिंग टू एथेरोस्क्लेरोसिस इज द लीडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ CVD। यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस इंक्रीज होंगे। मोस्ट प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इज इन एन एस्ट्रिफाइड फॉर्म विच इज मोर हाइड्रोफोबिक देन फ्री कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एस्टर आर नॉट फाउंड इन मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल एस्टर आर नॉर्मली प्रेजेंट इन लो लेवल इन मोस्ट सेल। कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इन एसोसिएशन विद प्रोटीन्स इन लिपोप्रोटीन्स और सोल्युबलाइज बाई फॉस्फोलिपिड एंड बाई सॉल्ट्स इन दी बाइल्स। आगे आ जाइए आप सबसे लास्ट में जो है, देखिए ये अपना कंटेंट होता है टोटल प्लाज्मा लिपिड कि जब भी आप लिपिड प्रोफाइल करवाने के लिए जाते हैं ना, कि आपको क्लिनिशियन ने एडवाइज किया कि आप एक बार लिपिड प्रोफाइल चेक करवाइएगा, तो नॉर्मल कंटेंट है कि आपकी बॉडी में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, टोटल प्लाज्मा लिपिड्स है उसका अमाउंट होना चाहिए 400 to 600 mg per dL, टोटल कोलेस्ट्रॉल है 140 to 200 mg per dL, HDL इन मेल 30 to 60, HDL इन फीमेल 35 to 70, HDL मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एंड फंक्शंस ऑफ HDL ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू टू लीवर, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, फंक्शन ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। लेकिन देखिए ये जो कंसेप्ट है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, सबसे लास्ट में जो लोग बैठे हुए हैं ना इस तरफ, क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए ये जो थ्योरी थी कि HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, ये काफी पुरानी थ्योरी है। अब आप सपोज कीजिए कि अगर कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, स्टेरॉइड हॉर्मोन का फॉर्मेशन करेगा, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, E2, प्रोजेस्टेरोन्स का फॉर्मेशन करेगा, विटामिन डी का सिंथेसिस करेगा।
अगर आपने लीवर से एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू को कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट नहीं किया है तो ये सब सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। तो एक ओल्ड थ्योरी थी कि एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर सपोज कीजिए एलडीएल बिल्कुल ही नहीं है, एलडीएल फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल के जो बाकी फंक्शन है वो अफेक्टेड हो जाएंगे। टीजी की नॉर्मल वैल्यू कितना है, 50 to 150 mg/dL इन फीमेल, 40 to 150 एंड पोस्ट ओल्पिड 150 to 200, फ्री फैटी एसिड इज 10 to 20 mg/dL। देखिए एक अपन एडवाइस करते हैं कि जब भी आपको पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल चेक करना है तो आप बोलें कि वो 10 to 12 आवर फास्टिंग रहे और नाइट फास्टिंग रहे। बिकॉज रीजन क्या है, अगर फास्टिंग नहीं रहेगा पेशेंट, ठीक है डाइट के अंदर आपने इंटेक किया है टीजी, टीजी को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, टीजी ट्रांसपोर्ट बाय काइलोमाइक्रोन एंड दो टाइप का टीजी है ना आपके पास में, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस टीजी ट्रांसपोर्ट बाय काइलोमाइक्रोन और एंडोजीनस टीजी ट्रांसपोर्ट बाय वीएलडीएल। अब अगर अपन पेशेंट को फास्टिंग नहीं रखते हैं 10 to 12 आवर ओवरनाइट फास्टिंग नहीं रखेंगे तो लिपिड प्रोफाइल है वहां पे टीजी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि जब भी आप पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल कर रहे हैं चेक तो आप एडवाइज करें कि वो फास्टिंग रहे 10 to 12 आवर। जबकि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट कहाँ पे होगा, टीजी के ऊपर इफेक्ट होगा और वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या क्या फॉर्मेशन करेगा, कोलेस्ट्रॉल आपका स्टीरोइड सिंथेसिस करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लुकोकोर्टिकॉइड्स मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन्स एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन। कोलेस्ट्रॉल आपका विटामिन D3 का फॉर्मेशन करेगा, बाइल सॉल्ट्स बाइल एसिड का फॉर्मेशन करेगा और काफी सारे फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन में, नर्व कंडक्शन में, बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट्स का स्टीरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, विटामिन डी सिंथेसिस एंड एस्टिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। दीज आर द फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब अपन डिस्कस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, कोलेस्ट्रॉल कैसे बनेगा, द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखिए बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए पहले आपको एक प्रीव्यू दिखाते हैं। अपने पास में क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है। एसिटाइल कोएंजाइम में देखिए कोलेस्ट्रॉल है वो कितना है, 27 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्टिंग इनटू एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ थायोलेज। देन क्या होगा, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्टिंग इनटू बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल कोएंजाइम ए एचएमजी कोए विद द हेल्प ऑफ एचएमजी कोए सिंथेसाइज। देन एचएमजी कोए कन्वर्टिंग इनटू मेवलोनेट विद द हेल्प ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज। यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि एसिटाइल कोएंजाइम से हमने मेवलोनेट का फॉर्मेशन कर लिया है। देन क्या होगा, मेवलोनिक एसिड कन्वर्टिंग इनटू, मेवलोनिक एसिड है 6 कार्बन कंपाउंड है, मेवलोनिक एसिड कन्वर्टिंग इनटू 5 पायरोफोस्फो मेवलोनिक एसिड। देन 5 पायरोफोस्फो मेवलोनिक एसिड कन्वर्टिंग इनटू आइसोपेंटाइल पायरोफोस्फेट। आइसोपेंटाइल पायरोफोस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है, हमारे को 27 का फॉर्मेशन करना है। आइसोपेंटाइल पायरोफोस्फेट कन्वर्टिंग इनटू 3-3 डाइमेथाइल एली पायरोफोस्फेट। देन 3-3 डाइमेथाइल एली पायरोफोस्फेट कन्वर्टिंग इनटू जिरेनाइल पायरोफोस्फेट, 5+5=10 जिरेनाइल पायरोफोस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। देन जिरेनाइल पायरोफोस्फेट कन्वर्टिंग इनटू फेरेनसाइल पायरोफोस्फेट 15 कार्बन कंपाउंड है फॉर्मेशन। देन स्क्वालिन 30 कार्बन कंपाउंड है, हमारी चाहिए 27, ठीक है, स्क्वालिन कन्वर्टिंग इनटू कोलेस्ट्रॉल। ये कुछ स्टेप हैं कि कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट है कि एचएमजी कोए सिंथेसिस इज द कॉमन टू स्टेरॉइड एंड कीटोन बॉडीज सिंथेसिस। एचएमजी कोए सिंथेसिस वाला जो स्टेप है कॉमन है कीटोन बॉडी सिंथेसिस के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए भी। कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस कब होगा, स्टार्वेशन की कंडीशन में और डायबिटीज की कंडीशन में। देखिए होना क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम को जाना कहाँ पे है, तीसरे साइकिल में जाना है, लेकिन स्टार्वेशन की कंडीशन है तो क्या हो रहा है, वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस चल रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सल एसिटेट है, ठीक है। ऑक्सल एसिटेट अभी कहां पे बिजी है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में बिजी है। एसिटाइल कोएंजाइम में है, तीसरे साइकिल के थ्रू जाना कहां पे है, सॉरी तीसरे साइकिल में जाना है। तीसरे साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सल एसिटेट ही है, ठीक है। अब हुआ क्या हमारे साथ में कि पेशेंट स्टारवेशन की कंडीशन है, जो हमारा ऑक्सल एसिटेट है वो अभी बिजी है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, जाना हमें टीसीए साइकिल में है,
लेकिन अब यहाँ पे क्या करेगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ही अल्टरनेट रूट ले लेगा, एसिटाइल कोएंजाइम टीसी साइकिल में ना जाके कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कर देगा। इसी तरीके से अगर डीएम की कंडीशन है तो भी क्या हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, वहां पे भी ऑक्सियल स्टेट बिजी है, टीसी साइकिल परफॉर्म नहीं होगा, इसलिए वहां पे भी क्या होगा अल्टरनेट रूट लेगा। और टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज, थ्री टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज, एसिटो एसिटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। फंक्शंस ऑफ कीटोन बॉडीज, फंक्शंस ऑफ कीटोन बॉडीज, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी ब्रेन को, एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। देखिए अपन डिस्कस करते हैं कि स्टेप ऑफ बायोसिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल। फर्स्ट स्टेप आपका कि सिंथेसिस ऑफ मेवलोनेट ए सिक्स कार्बन कंपाउंड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। देन स्टेप नंबर सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रिनोइड्स यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ स्क्वालिन, स्क्वालिन के बाद में लिनोस्टेरोल एंड लिनोस्टेरोल से फाइनली कोलेस्ट्रॉल। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए मेलोनेट इज सिंथेसाइज बाय एचएमजी कोए सिंथेज। एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्टिंग इनटू एचएमजी कोए विद द हेल्प ऑफ एचएमजी कोए सिंथेज। देन एचएमजी कोए कन्वर्टिंग इनटू मेलोनेट विद द हेल्प ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज। ये जो प्रोसेस है वो कीटोन बॉडीज के लिए भी सेम स्टेप और कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए भी सेम है। स्टेप नंबर फर्स्ट, एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्टिंग इनटू एसिटो एसिटाइल एंड कन्वर्टिंग इनटू एचएमजी कोए। देन सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मेवलोनेट, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्टिंग इनटू एचएमजी कोए, देन एचएमजी कोए कन्वर्टिंग इनटू मेवलोनेट विद द हेल्प ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज। नेक्स्ट स्टेप है आपकी मेवलोनेट कन्वर्टिंग इनटू मेवलोनेट फाइव फॉस्फेट, देन मेवलोनेट फाइव पायरोफॉस्फेट, देन फाइनली मेवलोनेट थ्री फॉस्फेट और कन्वर्टिंग इनटू आइसोप्रिनोइड यूनिट। आइसोप्रिनोइड यूनिट क्या होगा, यहाँ पे आइसोमर हो जाएगा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट थ्री थ्री डाइल मेथाइल एली पायरोफॉस्फेट में। देन थ्री थ्री डाइल मेथाइल एली पायरोफॉस्फेट प्लस आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट फाइव प्लस फाइव किसका फॉर्मेशन करेंगे, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट टेन कार्बन कंपाउंड है विद द हेल्प ऑफ जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज। देन जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट अगेन एक आइसोप्रिनोइड यूनिट आएगा, 10 प्लस 5 15 फेरेंथाइल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा और फेरेंथाइल पायरोफॉस्फेट कन्वर्टिंग इनटू स्क्वालिन विद द हेल्प ऑफ स्क्वालिन सिंथेज। देन नेक्स्ट स्टेप, स्क्वालिन कन्वर्टिंग इनटू लिनोस्टेरोल। लिनोस्टेरोल के पास में दो पॉसिबल वे हैं कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करने के लिए, जाइमेस्टेरोल के थ्रू बनाएगा या फिर सेवन डेल्टा कोलेस्ट्रॉल के थ्रू फाइनली कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट आता है कि रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। रेगुलेशन किस तरीके से होगा, कितना कोलेस्ट्रॉल का आपको सिंथेसिस करना है। रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज एक्सप्लेन नियर द बिगनिंग ऑफ द पाथवे एट द एचएमजी कोए रिडक्टेज स्टेप। द फॉलोइंग मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द कोलेस्ट्रॉल रेगुलेटरी स्टेप, कंपेटेटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन एंड स्टीरोल मेडिएटेड रेगुलेटरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, क्या होता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, देखिए हो क्या रहा है, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। अब एक जो स्पेसिफिक साइट है जिसको अपन क्या बोलते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के ऊपर अगर एंजाइम बाइंड हो जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एंजाइम का सेम स्ट्रक्चर अगर इनहिबिटर है हमारे पास में तो दोनों के बीच में क्या होगा कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन में अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो रिएक्शन नहीं होगी परफॉर्म, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर एंजाइम और इनहिबिटर दोनों के बीच में कंपटीशन है बाइंड होने के लिए, तो इस तरीके के इनहिबिशन को अपन क्या बोलते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। इसके अपोजिट दूसरा जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होता है वहां पे क्या होगा कि जो इनहिबिटर है उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो एक्टिव साइट पर ही बाइंड करे, वो किसी भी साइट पर जाके बाइंड कर देगा और एक्टिव साइट को क्या करेगा उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, एंजाइम वहां पे आके बाइंड
नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल बात करें अपन की कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, एलोप्यूरिनोल है ना, गाउट के अंदर जो अपन मेडिसिन देते हैं एलोप्यूरिनोल, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, यानी कि जब सफिशियंट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो गया है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, खुद ही फीडबैक देगा कि अब और कोलेस्ट्रॉल के अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरीके को अपन बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। रोल ऑफ हॉर्मोन्स, कोवलेंट मॉडिफिकेशन, इंसुलिन है, थायरॉइड हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, ये इसको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। अभी बताएंगे अपन फर्दर। स्टेरॉल मेडिएटेड रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, द रेगुलेटरी एंजाइम्स इज एचएमजी कोए रिडक्टेज, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन इन्वॉल्व रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज, व्हेन सफिशिएंट कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द सेल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज इज सप्रेस एंड सेलुलर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज डिक्रीज। यानी कि हमारे पास में सफिशियंट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है तो यहाँ पे क्या होगा, सेलुलर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन कोलेस्ट्रॉल इज डाइट इज लो, सिंथेसिस इज इंक्रीज। ठीक है, डायग्राम के अंदर बताए ना कि ये इनिबिटर है कोलेस्ट्रॉल, फीडबैक इनिबिशन के थ्रू इनिबिट करेगा। आपके ग्लूकागोन है, ठीक है, कोर्टिसोन्स हैं, ठीक है, स्टेटिन है, ये एंजाइम एचएमजी कोई रिडक्टेज को इनिबिट करेंगे और एचएमजी कोई रिडक्टेज कैन नॉट कन्वर्टिंग इनटू एचएमजी कोए एंड एचएमजी कोए कैन नॉट कन्वर्टिंग इनटू कोलेस्ट्रॉल। इसके अपोजिट में क्या करेंगे, इंसुलिन है और थायरोक्सिन है, ये क्या करेंगे, एचएमजी कोई रिडक्टेज को एक्टिव करेंगे। एचएमजी कोए जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा उतना ही क्या होगा, एचएमजी कोए का फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होगा। स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंटिंग बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या है, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज सीक्वेंस नोन एज द स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन डीएनए। एसआरई बाइंडिंग बाय स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट्स बाइंडिंग प्रोटीन इज असेंशियल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज जीन्स व्हेन कोलेस्ट्रॉल लेवल आर सफिशियंट हाई, द एसआरई बीपी रिमेन्स एज एन इनएक्टिव प्रेशर। देखिए आप यहाँ पे एक बार कि ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेगा, ये इनहिबिटर है प्रोटीन फॉस्फेट को, ये क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। प्रोटीन फॉस्फेट की वजह से क्या हो रहा था, एचएमजी कोए रिडक्टेज जो कि इनएक्टिव फॉर्म है वो क्या हो रहा है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एचएमजी कोए रिडक्टेज एक्टिव होगा तो एचएमजी कोए कन्वर्टिंग इनटू कोलेस्ट्रॉल, तो ग्लूकागोन तो क्या कर रहा है, इसको इनहिबिट करेगा। इसके अपोजिट में जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करेगा, प्रोटीन फॉस्फेट को एक्टिव करेगा, ठीक है, और एचएमजी कोए रिडक्टेज जो इनएक्टिव फॉर्म में था वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन फॉस्फेट कन्वर्टिंग इनटू एचएमजी कोए रिडक्टेज इन एक्टिव फॉर्म, और ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होगा। इंसुलिन एंड थायरोक्सिन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज, कोर्टिसोल्स एंड ग्लूकागोन डिक्रीज इट्स एक्टिविटी, फॉर्मेशन ऑफ बाइसॉल्ट्स। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्टिंग इनटू 7 अल्फा ओएच कोलेस्ट्रॉल देन कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइको एंड फ्यूरोफोलिक एसिड, प्राइमरी बाइसॉल्ट एंड सेकेंडरी बाइसॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। फंक्शंस ऑफ बाइसॉल्ट, देखिए आप लोगों ने एक टेस्ट परफॉर्म किया होगा, लिपिड के जो अपने टेस्ट परफॉर्म किए थे, बाइसॉल्ट के लिए अपन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये सल्फर टेस्ट अपन परफॉर्म करेंगे। जब भी आप पैथोलॉजिकल यूरिन का टेस्ट परफॉर्म करेंगे, पैथोलॉजिकल यूरिन क्या होता है, एक होता है नॉर्मल यूरिन, एक होता है पैथोलॉजिकल यूरिन। पैथोलॉजिकल यूरिन में एक ही, अगर यूरिन के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ब्लड, बाइसॉल्ट्स, प्रोटीन या फिर कीटोन बॉडी, इन पांचों में से अगर कोई भी एक प्रेजेंट है तो उस यूरिन को अपन बोलेंगे पैथोलॉजिकल यूरिन। और इन पांचों के लिए अपन टेस्ट परफॉर्म करेंगे कि अगर आपको बाइसॉल्ट देखना है तो बाइसॉल्ट के लिए अपन लगाएंगे हे सल्फर टेस्ट, कीटोन बॉडीज के लिए आप रोथराज टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए आप बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, प्रोटीन के लिए हीट कोगुलेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे अपन, और ब्लड के लिए बेंजीडिन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जो बाइसॉल्ट्स हैं उनके क्या फंक्शन है, लोअरिंग ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज द पावर ऑफ लोअरिंग सरफेस टेंशन दे ऐड इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड टेंड टू स्टेबलाइज सच इमल्शंस।
Demulsification is pre-requesting form actions of pancreatic lipase on fats. Bile salts accelerate the actions of pancreatic lipase. Micelles का formation करेंगे. Absorption of vitamin, जो fat soluble vitamin से उनके absorption में help करेंगे. ADK. Intestinal motility को increase करेंगे. Cholerectic action perform करेंगे. Solubility of cholesterol, bile salts keep the cholesterol in solution. Cholesterol remain soluble in gallbladder, bile salts. Increased cholesterol level associated with CAD. Good cholesterol level आपका below 200 mg per dl है. Borderline 200 to 240 है. Measuring blood cholesterol level only not need to fasting. क्योंकि किसको अफेक्टेड कर रहा है, अगर अपन मील लेके लिपिड प्रोफाइल एस्टिमेट करवा रहे हैं तो ईजी को और VLDL को. कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल मील्स बट अफेक्टेड बाय लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ ईटिंग. लिपिड प्रोफाइल हैज टू बी डन इन फास्टिंग. कोलेस्ट्रॉल लेवल इज इलेवेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सम ड्रग्स आर नोन एज द इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल. एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, बीटा ब्लॉकर्स, एपिनेफ्रिन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. LDL low density lipoproteins, bad cholesterol है. function क्या है, transport of cholesterol from liver to extrahepatic tissue. देखिए LDL अपन measure भी कर सकते हैं. कैसे measure करेंगे आप LDL? एक formula होता है कि LDL is equal to total cholesterol minus HDL plus TG upon 5. और TG अपॉन 5 का मीन्स होता है कि VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. यानी कि अगर आपके पास में लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल है, HDL है और TG है, तो आप उससे क्या करेंगे, VLDL और LDL कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे करेंगे आप कैलकुलेट? सपोज कीजिए आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 है, HDL 50 है, ठीक है, TG 160 है. आप क्या करेंगे, सबसे पहले VLDL निकालेंगे. VLDL निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, TG अपॉन 5, 160 डिवाइडेड बाय 5. फिर अपन क्या करेंगे, टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 है माइनस HDL 50 है प्लस TG अपॉन 5 मींस VLDL, और ये कैलकुलेट हो जाएगा अपना LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. ये फॉर्मूला जब भी आप प्रैक्टिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको लिखवाया जाएगा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल आपको दे दिया गया है, टीजी आपको दे दिया जाएगा और एचडीएल दे दिया जाएगा. उस कंडीशन में आपको वीएलडीएल और एलडीएल कैलकुलेट करना होगा. रिस्क ऑफ हाई एलडीएल इन हार्ट डिजीज. हाई ब्लड एलडीएल विल डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल इन द इनर वॉल्स ऑफ द आर्टरीज दैट फीड द हार्ट एंड ब्रेन. इट कैन form thin and hard deposition that can be narrow the arteries and make them less flexible. The condition is known as the atherosclerosis. इस तरीके से LDL particle जो cholesterol है वो deposit हो जाएगा और blood flow को affected करेगा, block कर देगा arteries को. HDL high density lipoproteins, good cholesterol है, carry cholesterol from peripheral organ to liver. रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल. हाइपरलिपिडीमिया क्या हो गया, इन दिस कंडीशन द एबनॉर्मलिटी एलिवेटेड लेवल ऑफ एनी ऑल आवर लिपिड्स लिपोप्रोटीन्स इन द ब्लड. यानी कि जो भी आपके लिपिड के कंटेंट है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, टीजी है, एलडीएल है, ये इंक्रीज हो जाएंगे और एचडीएल का लेवल डिक्रीज हो जाएगा. Primary hyperlipidemia are probably genetic based, but the genetic defects are known as the only minority of patients. Secondary hyperlipidemia may result for disease such as diabetes, thyroid disease, renal disorder, liver disorders, या फिर आप कुछ drugs ले रहा है patient. Hyperlipidemia, a major modifiable risk factor for atherosclerosis, cardiovascular disease, including coronary artery disease. This is true both the disorder of involving हाइपर टीजी. डायटरी सप्लीमेंटेशन टू रिड्यूस लिपिड. क्या देते हैं अपन पेशेंट को, नियासिन देंगे, ठीक है. इसको अपन क्या बोलते हैं, 4D विटामिन्स भी बोलते हैं.
नियासिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी? कौन सी डिजीज होती है? विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी? नियासिन की डेफिशिएंसी से 4D डेफिशिएंसी जिसको अपन बोलते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, और अगर लॉन्ग टर्म तक अपन ट्रीट नहीं करते हैं तो डेथ। देखिए होता क्या है, इन लोगों के अंदर होगा ये डेफिशिएंसी, जो लोग ट्रिप्टोफेन लो डाइट इंटेक करते हैं, क्योंकि 60 mg ट्रिप्टोफेन कन्वर्टिंग इनटू 1 mg विटामिन बी3, वाटर सोल्यूबल बी विटामिन्स दैट इम्प्रूव ऑल लिपिड्स हैज बीन यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, कम ऑफ 3 फॉर्म्स। फर्स्ट है आपका कि इमीडिएटली रिलीज करेगा, सेकेंडरी है कि सस्टेन रिलीज करेगा लेकिन आपको डोज है वो 2 mg तक ही देना है, और नेक्स्ट है कि फास्ट रिलीज करेगा। न्यू ड्रग नैप्सिन इज रिलीज फॉर्मूला बेटर देन द अदर देन लेस ऑफ साइड इफेक्ट। मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका, डिक्रीज करेगा टीजी को 30-40%, डिक्रीज करेगा एलडीएल को 50-25%, इंक्रीज करेगा एचडीएल 20-30%। द स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंक्रीज एचडीएल, ऑल्सो यूजफुल टू हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया। थेरेप्यूटिकली लाइफ स्टाइल चेंजिंग करना, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प टू रिलैक्स ब्लड वेसल्स एंड लो ब्लड प्रेशर, ईटिंग सोल्यूबल फाइबर लाइक ओट्स पैकिंग। ठीक है, ये टेबल है कि इंक्रीज और डिक्रीज किस कंडीशन में रहेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, अगर डाइट के अंदर अपन ज़्यादा इंटेक करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज रहेगा, लॉस ऑफ बाइल्स की कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज रहेगा। मेडिसन हैं, लेक ऑफ डाइटरी फाइबर्स है, पीएलपी की डेफिशिएंसी है, पायरेडॉक्सल फॉस्फेट, और ये कुछ हॉर्मोन है इंसुलिन एंड थायराइड हॉर्मोन, जो क्या करेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करेंगे। अपोजिट में क्या रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज किस कंडीशन में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल फीडिंग फीडबैक इनहिबिशन इनहिबिट एचएमजी कोए रिडक्टेज, फास्टिंग स्टारवेशन की कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एनालॉग्स ऑफ मेवलनेट और स्कलिन की कंडीशन में डिक्रीज रहेगा, प्रेजेंस ऑफ फैट्स एंड बाइल एसिड एंड इंटेस्टाइनल ल्यूमेंस इंक्रीज इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन व्हिच डिक्रीज द सिंथेसिस, और या फिर आप डाइट के अंदर कम इंटेक करेंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज रहेगा। तो अगर अपन बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के टोटल 5 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करें कि एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम से हमें क्या करना है, मेवलोनेट का फॉर्मेशन करना है। एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्टिंग इनटू एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ थायोलेज, देन एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्टिंग इनटू बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेट कोएंजाइम ए एचएमजी कोए विद द हेल्प ऑफ एचएमजी कोए सिंथेसाइज, देन एचएमजी कोए कन्वर्टिंग इनटू मेवलोनेट विद द हेल्प ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज। यानी कि हमारा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन तो, कि फर्स्ट ये कि हमें मेवलोनेट का फॉर्मेशन कर लेना है एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्टिंग इनटू एचएमजी कोए, एचएमजी कोए कन्वर्टिंग इनटू मेवलोनेट। नेक्स्ट क्या होगा आपका, जो मेवलोनिक एसिड है कन्वर्टिंग इनटू 5-pyrophosphate मेवलोनिक एसिड है, यहाँ पे क्या होगा आइसोप्रिनोइड यूनिट का फॉर्मेशन हो जाएगा आइसोपेंटाइल पायरोफोस्फेट, हमें 30 कार्बन कंपाउंड स्कॉलिन का फॉर्मेशन करना है आइसोपेंटाइल पायरोफोस्फेट। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और आइसोपेंटाइल की यूनिट आएगी जिसका नाम रहेगा 3,3-dimethylallylpyrophosphate, ये दोनों आइसोमर है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट इजीली 3,3-dimethylallylpyrophosphate कन्वर्ट हो जाएगा, और 3,3-dimethylallylpyrophosphate इजीली आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे को जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, 5+5 10 का फॉर्मेशन हो गया, हमारे पास 10 कार्बन कंपाउंड आ गया। अब क्या होगा, जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट प्लस
आइसोपेंटाइल पायरोफोस्फेट कन्वर्टिंग इनटू फेरेंसाइल पायरोफोस्फेट, 15 कार्बन कंपाउंड है। फेरेंसाइल पायरोफोस्फेट की एक और यूनिट आएगी और उसका लिन में कन्वर्ट हो जाएगा 30 कार्बन कंपाउंड। उसका लिन अब क्या करेगा, लिनोस्टिरोल का फॉर्मेशन करेगा। लिनोस्टिरोल क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि फर्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ HMG को ए, देन फॉर्मेशन ऑफ मेवलोनेट, देन फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रिनोइड यूनिट, देन फॉर्मेशन ऑफ जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट, देन फॉर्मेशन ऑफ फेरेंथाइल पायरोफॉस्फेट, देन फॉर्मेशन ऑफ स्क्वालिन, और फाइनली स्क्वालिन क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करेगा। अपन रेगुलेशन की बात करें तो दो तरीके से रेगुलेशन है। फर्स्ट तो एक ही फीडबैक इनिबिशन है। अगर सेल के पास में सफिशियंट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल उसको इनिबिट कर देगा। नेक्स्ट आता है कि हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होगा। इंसुलिन है और थायरोक्सिन है, वो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करेगा। मैकेनिज्म क्या रहेगी, HMG को रिडक्टेज को इंक्रीज करेंगे। HMG को रिडक्टेज क्या करेगा, HMG को से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन बनाएगा। इसके अपोजिट में कौन वर्किंग कर रहा है, इंसुलिन और थायरोक्सिन के अपोजिट कौन वर्किंग कर रहा है, कोर्टिसोल्स कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकागोन वर्किंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, HMG को रिडक्टेज को इनिबिट करेगा। HMG को रिडक्टेज अगर इनिबिट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, HMG को रिडक्टेज इनिबिट हो जाएगा, HMG को ए कैनॉट कन्वर्टिंग इनटू मेवलोनेट, और आगे फर्दर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं होगा। तो फीडबैक इनिबिशन, हॉर्मोनल रेगुलेशन, और एक अपना स्टिरोल मीडिएटर रेगुलेटरी एलिमेंट प्रोटीन, ये कैसे वर्किंग कर रहा है, रेगुलेटरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, द रेगुलेटरी एंजाइम्स इज HMG को रिडक्टेज। अगर कोई आपसे पूछता है कि रेगुलेटरी स्टेप बताइए या फिर रेगुलेशन एंजाइम का नाम बताइए जो कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन को रेगुलेट करेगा, तो HMG को रिडक्टेज। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन इन्वॉल्व रेगुलेशन इज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन ऑफ HMG को रिडक्टेज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन सफिशिएंट कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन सेल, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन ऑफ HMG को रिडक्टेज इज सप्रेस। यानी कि जब आपके पास में सफिशियंट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है तो HMG को रिडक्टेज अभी वर्किंग नहीं करेगा। जब सेल के पास में कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होगी, व्हेन कोलेस्ट्रॉल डाइट इज लो, द सिंथेसिस इज ऑल्सो इंक्रीज। एक अपन ने बताया था कि स्टिरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन SREBP, ये किस तरीके से वर्किंग करेगा, ये कह रहा है कि स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस नोन एज द स्टिरोल रेगुलेटरी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन DNA। SRE बाइंड बाय स्टिरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज जीन्स। व्हेन कोलेस्ट्रॉल लेवल आर सफिशिएंट हाई, द SREBP रिमेंस इज एन इनएक्टिव प्रोसर प्रीकर्सर। यानी कि जो SRE है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करेंगे, लेकिन अगर सफिशियंट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है तो अपने को क्या करना है कि SREBP को इनएक्टिव रहेगा, और कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट रहेगी तो SREBP क्या हो जाएगा, एक्टिव प्रीकर्सर का फॉर्मेशन करेगा। दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इंक्रीज और डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल इज 152/200। HDL कितना रहेगा, 42/60 mg/dl। LDL लेस देन 150। टीजी 150। देखिए आपने अभी लिपोप्रोटीन्स पढ़े थे, ठीक है, काइलोमाइक्रोन था, VLDL था, HDL है और LDL है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास में दो चीजें, कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। जो टीजी है आपके पास में डायट्री टीजी और दूसरा बॉडी जो सिंथेसिस कर रही है, एक्जोजीनस टीजी और एंडोजीनस टीजी। एक्जोजीनस टीजी ट्रांसपोर्ट बाय काइलोमाइक्रोन और एंडोजीनस टीजी ट्रांसपोर्ट बाय VLDL, ठीक है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट बाय HDL एंड
एलडीएल। एचडीएल क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से लीवर को ट्रांसपोर्ट करेगा, एलडीएल लीवर से एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करेगा। एपोलिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन पार्ट्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स। एग्जाम्पल A1 है, B1 है, B48 है, B100 है। क्या फंक्शन है इनके, LCAT का क्या फंक्शन है, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज, LCAT। एस्ट्रिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल किसमें कन्वर्ट करती है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर में। C1 का क्या फंक्शन है, B100 क्या फंक्शन करेगा, B100 ApoB100, LDL को, VLDL को नहीं, LDL को, क्योंकि जो B100 है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में, LDL के पास में है। ठीक है, LDL के मेटाबॉलिज्म में जब वो सेल सरफेस पे आएगा तो उसको बाइंड करेगा, जो क्लेथरिन कोएटेड पीट्स है उनके साथ में बाइंड करने का फंक्शन वो कर रहा है, कौन कर रहा है, ApoB100। ApoB100 और ApoB48 में क्या डिफरेंस है, देखिए जो ApoB100 है और B48 है, B48 का सिंथेसिस हो रहा है इंटेस्टाइन में और B100 का सिंथेसिस हो रहा है लीवर में। तो क्या हो रहा है कि जब B48 है, B48 मीन्स ये है कि B100 का ही 48% है वो, क्यों, क्योंकि जब 48% सिंथेसिस होता है तो वहां पे स्टॉप कोडोन आ जाएगा, स्टॉप कोडोन आ गया तो वहीं पे वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, यानी कि B48 है वो B100 का ही 48% है। डिफरेंस ये कि एक इंटेस्टाइन में सिंथेसिस हो रहा है, दूसरा